हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिसके ऊपर अभी यहाँ पे अच्छे टेक्निकल बेसिस पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इस शेयर का नाम है सेमको गोल्ड लिमिटेड। आप नाम समझ लो गोल्ड सेक्टर से रिलेटेड है यहाँ पे ये। अब इसमें देखो ना, ये शेयर है ना बिल्कुल अपने मंथली अगर देखें आप तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। मतलब कोई इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं, अगर ब्रेकआउट बनता है यहाँ पे वीकली पे देखें तो वीकली भी अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। प्रॉपर वे में चार्ट चल रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि एक तरफ को रैली निकाल दे रहे। जब एक तरफ को रैली आती है इस तरह के शेयर्स में तो क्या वहाँ पे एंट्री पॉइंट नहीं आता प्रॉपर, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। मतलब अगर शेयर गिरने रहता है ना सीधा धड़ाम आता है। अब इसमें क्या शेयर में देखो पैटर्न चलेगा, फिर आप एक थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा वापस से प्राइस पे, यहाँ पे करेक्शन आएगा, फिर चलेगा, फिर ब्रेकआउट देकर निकलेगा, फिर वापस से सपोर्ट लेगा। तो इस तरीके से प्रॉपर वे में शेयर यहाँ पे मोमेंटम दे रहा है। तो ऐसे शेयर ज्यादा अच्छे लगते हैं जिसमें प्रॉपर एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफा शेयर में आप कभी भी फंस जाओगे बाय चांस तो फिर दिक्कत भी वैसी आती है यहाँ पे। जैसे मोमेंटम तो चल रहा है ठीक है, पर गिरने लगते हैं तब भी वो ऐसे गिरते हैं। तो अब इसको हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अभी इसमें क्या होना है, यहाँ पे देखो पहले एक अच्छी खासी इसमें रैली आई, यहाँ पे इस पे समझने की कोशिश करना क्या चल रहा है यहाँ पे। ये रैली आई, इसका ब्रेकआउट दिया इस लेवल का, ठीक है, दोबारा वापस से आया ये इसी जगह के आसपास, यहाँ पे सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, यहाँ पे से आके सपोर्ट लिया, उसके बाद वापस से एक मोमेंटम निकाला। लेकिन ये वाला जो रिजेक्शन लेवल था इस रिजेक्शन के आसपास आके यहाँ पे अटक गया। क्यों अटका? क्योंकि इस जगह पर यहाँ पर जून में 24 में जो यहाँ पे बंदा लेके फंसा हुआ होगा, जिसने भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्लान करा होगा या फिर लिया होगा कि यहाँ पे मैं ब्रेकआउट मिल जाएगा, ऊपर मोमेंटम मिल जाएगा तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन वो अगर यहाँ से यहाँ तक फंस गया। अब उसका परसेंटेज देखते हैं हम यहाँ पे कितना परसेंटेज बन रहा हुआ इससे, अप्रोक्स 20-21% का मोमेंटम है डाउन साइड में, ठीक है। अब अगर ये डाउन साइड में ऐसा मोमेंटम आया और बाय चांस पे फंसा होगा, अब उसकी प्राइस इसे लिया तो उसने शॉर्ट टर्म के हिसाब से, पर वो क्या हो गया यहाँ पे आते आते उसमें प्राइस आते थे 14-15 अगस्त आगे, मतलब कितना टाइम हो गया, जून जुलाई अगस्त, मतलब 2 महीने करीबन अप्रोक्स यहाँ पे हो गया। अब जैसे उसकी प्राइस आएगी तो वो क्या करेगा ना, वहाँ पे या तो ब्रेक इवन पे निकलेगा, माइनर से प्रॉफिट पे निकलेगा, माइनर से लॉस पे निकलेगा, क्योंकि जिसको देखो फंड की रिक्वायरमेंट होगी उसको निकालना भी पड़ेगा, जिसने शॉर्ट टर्म के लिए लिया वो भी निकलेगा, तो वो मेजोरिटी यहाँ से एक बार निकलेगी ऐसे में, ठीक है। अब वापस से उसने शेयर ने रिटेस्ट करा, पर इस बार का रिटेस्ट जो था ना पहले की तरह नहीं था, इतना डेप्थ में नहीं था, वो नॉर्मली गिरा, हल्का फुल्का गिरावट आई यहाँ पे, इस जगह पर एक सपोर्ट लेवल था यहाँ पे, इस जगह तक आया वापस से उसने एक बार बाउंस बैक करके अच्छा निकाल रहा मोमेंटम। अब मेन चीज हमें क्या देखनी है यहाँ पे, कि जब भी शेयर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल के ऊपर जैसे यहाँ पे सस्टेन कर जाएगा शेयर, एक पॉजिटिव वे में अच्छा कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, और उसमें ऊपर की तरफ यहाँ पे कोई रिजेक्शन भी नहीं है तो एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे ऊपर देखने को मिल सकती है। इसका मैं लेवल जैसे मार्क करता हूँ रिजेक्शन के लेवल के यहाँ पे बन रहे हैं, इस लेवल पर अब चांसेस क्या ना, अब दोबारा वापस रिजेक्शन आने के चांसेस कम है। कम क्यों है ना, क्योंकि जिसको पहले निकलना था ऑलमोस्ट यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। अब गलती से जो यहाँ पे पहले फंसा हुआ इस जगह पर आके फंसा हुआ 14 अगस्त को, वो अभी हल्का फुल्का यहाँ पे रिजेक्शन आएगा, निकल जाएगा वो यहाँ पे जिसको निकलना हुआ, उसके बाद शेयर वापस से बिल्कुल फ्री हो जाएगा ऊपर जाने के लिए अपसाइड में यहाँ पे। और हल्की फुल्की अगर मान लो गिरावट आती भी है तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है 1110 के आसपास, यहाँ पे इस जगह पर 1130 के आसपास अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो इन जगह पर अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद तो अगर मेन जो सपोर्ट लेवल है फिर 1056 के आसपास सपोर्ट लेवल है, पर चांसेस कम है इतना नीचे आने के। इसमें अगर इसे ब्रेकआउट बनेगा तो ऊपर सस्टेन कर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएगी, तो एक बार वापस वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। और इसमें आपको कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं, पर चार्ट बेसिस पर हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे चार्ट में क्या दिख रहा था, क्या हिसाब से यहाँ पे चीजों को टेक्निकल बेसिस पे एनालिसिस कर सके यहाँ पे। और इसमें यहाँ पे जो भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स।